पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जेठानी जी, आपको कुछ चाहिए? अब हाँ, पानी पी रही थी मैं। पानी? पानी पी लो, उसके बाद आप हमारे साथ चलिए, हमें तुमसे बात करनी है। बहू, आप पहली रसोई की परोसने की तैयारी कीजिए। हमें विश्वास है कि जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो हलवा भी अच्छा ही बना होगा। चलिए। हो गया, हो गया। जान बची तो लाखों पाए, तारा यहां मिल जाती तो बवाल हो जाता, बच गए। वैसे तुम किचन में क्या कर रही थी? एक सेकंड, लेट मी गेस, हलवा बना रही थी, है ना? मैं क्यों बनाऊंगी हलवा? अच्छा, तो किचन में घी की खुशबू सूंघने गई थी तुम? मैं मदद करने गई थी। तुम, तुम्हारी मदद, अरे अगर मदद करनी है तुम्हें तो चुपके से करती। तुम्हें पता है अगर मैं समय रहते नहीं आता तो तुम गई थी आज। मेरा यही काम रह गया, बस तुम्हें बार बार बचाता रहूं। तो नहीं बचाना चाहिए था मुझे? नहीं करते मेरी मदद? होने देते जो होना है मेरे साथ, क्यों की मदद? सही है, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुम मेरे ऊपर ही चढ़ रही हो, मुझे ही डांट रही हो। जो दिल से मदद करते हैं वो गिनाते नहीं है। गिना बिना नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी तो कहा ना तुमने, बार बार बचाना पड़ता है, बार बार बचाना पड़ता है। फिर तुमसे सीधे मुंह बात नहीं होती क्या? हमेशा चिड़चिड़ के बात करती हो। तुम मत बात करो ना मुझसे, चाहे चंद्रा से बात करो, मुझसे क्यों कर रहे हो? हाँ, सही है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अगर मुझे कुछ भी तुमसे बात कहनी होगी ना तो मैं वो चंद्रा को कहूंगा और चंद्रा तुम्हें बताएगी, ठीक है? ठीक है, तो तुम्हें भी जो भी जवाब मिलेगा वो चंद्रा के जरिए ही मिलेगा। इनके सामने ऐड तो दिखा दी, पर अब मुझे इनसे ही पता लगाना पड़ेगा कि कहीं मैं ही तो इनकी सितारा नहीं। पर कैसे पता लगाऊं? मुंह पे तुमसे भले कितना लड़ लूं, पर तुम्हारे पास आता हूं तो एक अजीब सा एहसास, अजीब सा सुकून क्यों मिलता है मुझे। भाई वाह, बहुत ही स्वाद हलवा है, संतुलित मिठास। बहू हमारे पास आओ, ये हमारी तरफ से। और जीत रही है। पर ये मिठास और संतुलन जो इस हलवे में है ना, ऐसी मिठास और संतुलन तुम्हारे रिश्ते में सदा रहे। तुम्हें और हलवा मिल सकता? हाँ, क्यों नहीं। अपने हाथ से खिलाइएगा। लाइए, हम खुद ले लेंगे। ये भाई, ये हमने रख दिया इधर। बोल के मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता, वो माणिक कितनी बड़ी धमकी दे के गया 24 घंटे की, और हम बैठकर हलवा खा रहे हैं। वैसे हलवे की बात करते हैं, बहुत अद्भुत है ये, क्या बात है। चाचा जी, पहले 24 घंटे वाली धमकी पे ध्यान देते हैं, भौजी ने हलवा तो अच्छा बनाया ही है। नहीं नहीं बिरजू, छोड़ो उसे, हम देख लेंगे उसको, ऐसे इतने सालों से व्यापार नहीं चला रहे हैं, भूल जाओ उसकी धमकी। आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा करिश्मा हुआ इस टेबल पर, बहू के हलवे की मिठास की वजह से इस तिलक की जबान को मीठा कर दिया। ये गाना जी, मेरी चंद्रा की गृहस्थी बस रही है, सब कितनी खुश है उससे, बस ऐसे ही उसकी खुशियां बनाए रखना, अपना आशीर्वाद रखना उस पर। अरे अरे ध्रुव बाबू, आप भी तो हलवा खाइए। बाबू कुछ तो कहिए, आप तो निशब्द ही हो गए। जैसा पिछली बार खाया था एकदम वैसा ही। थैंक यू।
तुम सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे कर लेती हो तारा? चाहे वो बालूशाही बनाना हो या फिर अपनी बहन की पहली रसोई पे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट हलवा बनाना हो, यू आर द बेस्ट। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है, बस एक चीज में थोड़ी कच्ची हो, वो है झूठ बोलना। तारा, तारा मेरी बहन, तुझे दिल से शुक्रिया। ये देख, आज तेरी वजह से मुझे ये नेक मिले हैं। अब मुझे रसोई बनानी तो आती नहीं है, पर देखना मैं एक अच्छी पत्नी जरूर बनूंगी। और आज रात मैं अपने आप को ध्रुव जी को सौंप दूंगी, वो भी बिना किसी शर्त के। और फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत भी करूंगी। बिल्कुल, तुझे मेरी ढेरों शुभकामनाएं। सोचो शुभ तो होवे शुभ। थोड़ा कस के दबाओ, बहुत थकान हो गई है। अरे प्राण निकालेगी क्या? नहीं 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 माँ जी, पैरों से कहाँ प्राण निकलते हैं, मेरे हाथ में ना तेल ज्यादा लग गया तो हाथ ना सब फिसल गया। ध्यान से जी, ध्यान ध्यान। उल्टा सीधा कुछ भी दबा देती हूँ, जिससे खुद ही झप मार के मुझे पैर दबाने से मना कर देंगी। हाँ जेंटलमैन बाबू और चंद्र, तोते लेक जान हो जाएंगे। मैं उनकी सितारा हूँ या नहीं हूँ, ये गुत्थी तो कभी सुलझ नहीं पाएगी। और अब उसे सुलझा के फायदा भी नहीं है, मुझे बस अपने सेठाने जी की आवाज। अरे क्या कर रही हो उर्वशी? अरे मालिश के बहाने किस चीज का बदला निकाल रही हो उर्वशी तुम? माफ कीजिएगा माँ जी, कोशिश तो मेरी यही है। हाँ? मेरे कहने का मतलब है कि बदला लेने की नहीं, वो मालिश करने की। मुझे लग रहा है मुझे मालिश करनी आ नहीं रही ठीक से। क्यों? माफ कर दीजिए, अच्छे से करूंगी। अच्छा ठानी जी, आप ठीक है? आप कहे तो मैं कर दूं? नहीं, सेठानी जी एक मौका तो दीजिए। आपको पता है मेरे बाबूजी और दादी जी दोनों कहते थे मेरे हाथों में जादू है, आपका दर्द छत से ठीक हो जाएगा। बस एक मौका, मैं छत से ठीक कर दूंगी। देखिए आप, बहुत अच्छी मालिश करूंगी मैं आपकी। अरे वाह, तुमने तो माँ जी को सुला ही दिया। चलो अच्छा है, आज के बाद तुम ही इनकी मालिश करना। वो क्या है ना, जो पैर दबाते हैं वो पैरों के पास ही रह जाते हैं, और मैं तो पैरों के पास अच्छी नहीं लगती, ऐसी ही दबाती रहना। अपने बड़ों के पैरों में मुझे जगह मिले, इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मेरे लिए तो मेरे बड़ों के पैरों की धूल मेरा आशीर्वाद है। कोई बात नहीं, आज के लिए पर्याप्त आशीर्वाद ले लिया हो तो ये सारा सामान जाके उधर रख कर आओ। चल। जी। सुनो, रसोई में तुम ही थी ना चंद्रा के साथ? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।